तो देखो, पेंसिल को सेंटर में पकड़ना, पेंसिल को ऐसे टिप पे नहीं पकड़ो, पेंसिल को सेंटर पे पकड़ो, होल्ड इट एट सेंटर, इस तरीके से ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बहुत लाइटली, ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन अगेन लाइटली एंड अनदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ट्राई टू कीप इट सेम, ओके, ट्राई टू कीप इट सेम, या फिर ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस शुड बी शॉर्टर देन दिस डिस्टेंस, इफ इट इज 1 सेंटीमीटर इट शुड बी 1.2 और 1.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ओके। नाउ ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ओके, ये अपनी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब लिप्स जितने लेफ्ट साइड है उतने ही राइट साइड होने चाहिए, ओके। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ड्रॉ द लिमिट्स की, लाइक व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्केल लिप्स, ये कहलाती है विथ ऑफ द लिप्स, ओके, एंड वील डिसाइड लेंथ ऑफ द लिप्स। तो आई थिंक 6 सेंटीमीटर इज इनफ, तो 3 को अपन यहां रखेंगे, 0 और 6 पे मार्क करके वील ड्रॉ अनदर वर्टिकल लाइन्स, ओके, इतना ड्रॉ करो। नाउ वी हैव गिवन द स्पेस, वील ड्रॉ द शेप। तो देखो, शेप डिपेंड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबका सेम नहीं रहता, लेकिन बेसिक शेप अपन देख, ड्रॉ वी शेप है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे वाइड नहीं कि इधर से लेके इधर तक बना रहे, अ स्मॉल वी शेप, और बहुत ज्यादा स्मॉल भी नहीं। नाउ कुछ लोगों के लिप्स एकदम देखे होंगे पॉइंटेड से रहते हैं, दे हैव द डायरेक्ट पॉइंटेड लिप्स, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा कर्व्ड रहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हल्का सा कर्व करो। देखो हल्के से कर्व में लोग क्या करते हैं, दे विल ड्रॉ अ बिगर क्लाउड शेप कर्व लाइक दिस, वी डोंट डू दैट हियर, ओके। अपन इस तरीके से कर्व हल्का सा उठाया, एक वेव फॉर्म मिलाए, ओके, सी इट अगेन, यहां से हल्का सा कर्व ले और फिर नीचे की तरफ, ओके, वेव फॉर्म में अगेन सेंटर पे, यहां पे अपवर्ड फेसिंग कर्व बनाओ लाइक दिस, ओके। अब जहां पे ये लाइन को टच कर रहा है, इट इज टचिंग इट हियर एंड हियर, 2 पॉइंट्स अपन को मिल गए, draw a curve like this and then straight, okay, again draw a curve like this and straight, this is how you draw upper lip, okay। अपन variations देखेंगे अभी इसके, this is mostly curved lips, अपन अभी pointed lips देखेंगे, then how we'll draw lower lips, lower lip is simple, draw a straight line, okay, like if it is 1/2 centimeter left, it should be 1/2 centimeter right to this line, okay, simply curve karo, okay, halka sa like this, and then waveform kya hota, ye, okay, direct curve kya ho jata hai, yahan se leke yahan tak, ye nahi karna hai, okay, is tarike se join kar diya। देखो, फॉर राइट हैंड पीपल इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ द लेफ्ट पार्ट, सो द इजी थिंग इज हल्के से इसे ऊपर करो, लेफ्ट से थोड़ा थोड़ा नीचे लाओ और फिर ज्वाइन कर दो, ओके। इतने सिंपली सिर्फ कर्व्स का यूज करके वी हैव ड्रॉन आवर लिप, ठीक है। सी नाउ वील ड्रॉ ट्रेपेज़ियम, तो क्या करना है, लेंथ टेक अ स्केल फर्स्ट, ओके, लाइक वील ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन, बीच में 3 सेंटीमीटर मार्क करो, ओके, लाइक दिस, 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1.5 सेंटीमीटर नीचे, सॉरी 1.2 सेंटीमीटर, ये ऊपर की विथ है 1.2 और नीचे की विथ है 1.5, ओके, नाउ वेट अ मिनट, ठीक है, इस लाइन पे, ऑन दिस लाइन कीप योर 0.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से,
draw 1 centimeter line and join this. Okay, you can join it with a scale if you want. Okay, the upper lip shape. For lower lip, keep it keep the base at least 2 centimeter. Okay, like this. Okay, so ये basic shape we have drawn two trapeziums combined. Now how we'll draw a lip? Pretty simple. The V shape. Okay. अब जो curve आ रहा है, we pretty much use this for those curved shape. जो बहुत overly curved lips नहीं रहते, like models के fake lips के लिए. इस तरीके से. So you can see line के ऊपर गया कर्व एंड लाइन के नीचे आया कर्व. Like this is the line. Okay, the curve went above it, crossed the line and then went below it. So it is giving a wave form. Okay, like this. Again for the right portion, curve के ऊपर गया बहुत slightly and then curve के नीचे आ गया. We are drawing those bigger lips. ठीक है, फिर then we'll draw upward facing curve like this. हल्का सा curve है, okay? ये बहुत ज्यादा curved नहीं होना चाहिए. This portion should not be a lot of curve, okay? ये वाला हिस्सा identical होने चाहिए. ठीक है, आई हैव सीन की दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, ये नहीं होना चाहिए. दिस इज हाउ यू ड्रॉ अपर लिप, एक जो पफ्ड लिप नहीं रहते. देन फॉर लोअर लिप, दिस इज योर बेस. ओके, अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसको यहां से स्ट्रेट लाइन कर दी, नहीं, ट्राई टू कीप इट अ बिट कर्व्ड लाइक दिस. अगेन इट विल क्रॉस. ओके, सेम थिंग, कर्व लाइन के बाहर गया, क्रॉस किया लाइन को वापस एंड देन इनसाइड द लाइन. सेम थिंग विथ द लेफ्ट पोर्शन, ट्राई टू कीप इट आइडेंटिकल विथ द राइट पोर्शन. ओके, लाइक दिस. ओके, सो एक डिफरेंट टाइप ऑफ लिप लिप हुए ये. तो इतना, सो दिस वॉज द फ्रंट प्रोफाइल. ठीक है, अब इसे फ्री हैंड की प्रैक्टिस क्यों करनी है, बिकॉज वी विल बी मूविंग टू 3/4 प्रोफाइल. 3/4 प्रोफाइल क्या होती है, वन साइड लाइक इफ पर्सन इज लुकिंग, हिज फेस इज टिल्टेड. ओके, सो इस तरीके के देखेंगे लिप्स, लाइक वन साइड इज शॉर्टर देन द अदर. तो इसमें लेफ्ट साइड इज शॉर्टर देन द राइट साइड. ठीक है, तो हाउ टू ड्रॉ दिस, फ्री हैंड भी कर सकते हैं. ओके, और अपन ग्रिड से भी कर सकते हैं. तो सिंपल मेथड से बताता हूँ, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अनदर लाइन और नीचे एक और लाइन. ओके, अ बेसिक थ्री लाइंस, ये बीच में जो अपन लाइन ड्रॉ करते हैं. नाउ अब ये नहीं होगा कि लाइक लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू द राइट साइड. ओके, वन साइड शुड बी शॉर्टर देन द अदर साइड. ओके, सो ये मैंने मेजरमेंट कितना आया मेरा, लेट्स से दिस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.3 सेंटीमीटर. तो दिस इज 1.5 सेंटीमीटर, दिस इज 2.3 सेंटीमीटर. ओके, हाइट का भी बता दूं, इट इज 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो अर्लियर वी शेप भी जो बना रहे थे, दैट इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, लाइक दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, बट इट इज नॉट इन दिस केस. एज यू कैन सी अबव, कि ये वाला पोर्शन इज ग्रेटर देन दिस पोर्शन. सो वील डू द सेम, like a shorter V shape is ki line is side and a longer one on the right side. Bahut zyada difference nahi aata ki like it is 0.5 centimeter, it is 1 centimeter, nahi. Like if it is 0.8 centimeter, it will be 1 centimeter. Like 0.2-0.3 centimeter se zyada ka difference itne se sketch mein nahi dekhta. Okay, again curve shape yahan pe. So first we'll draw the lower lip. Okay, in this case, first we'll draw the lower lip. तो ये यू शेप बनाया अपन ने, हल्का सा.
देन वील कर्व दिस पोर्शन. ओके, एक सी शेप बनाया मैंने, इलॉन्गेटेड सी शेप. दिस इज आवर बेस. ओके, एंड एक कर्व करके ऊपर गया लाइक दिस. यहां पे भी इस तरीके से कर्व करके यहां ज्वाइन हुआ. दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड लोअर लिप. अब अपर लिप का क्या है, बहुत ज्यादा कर्व नहीं करना दिस पोर्शन, जस्ट डायरेक्टली इसको नीचे लाए एंड देन जॉइंट हेयर. सेम थिंग हेयर, डायरेक्टली नीचे कर्व करके लाए एंड जॉइंट हेयर. ओके, ये जो रहता है ये ग्रिड के साथ बनता है, लेकिन ग्रिड के साथ उतना सही नहीं आता है. क्यों? क्योंकि अपन जब ड्रॉ करते हैं, वी आर ड्रॉइंग इट फ्री हैंड, सामने रेफरेंस देख के, तो एट एवरी मोमेंट वी हैव टू लाइक कर्व इट. सो इसका एक और एफिशिएंट तरीका रहता है, ड्रॉ, देखना ध्यान से देखना अभी. ओके, ड्रॉ कर्व. ओके, लाइक दिस, ड्रॉ अनदर कर्व. ठीक है, दोनों 1-1 सेंटीमीटर की विड्थ है. यहां पे धीरे से कर्व किया, थोड़ा आगे ले गए एंड देन वापस. जैसे अभी लोअर लिप बनाया था, सेम प्रोसेस लाइक दिस. ओके, इसको सेंटर मान के वील ड्रॉ वी शेप. इसको डायरेक्टली नीचे लाए और फिर यहां ज्वाइन कर दिए. अगेन इसको भी नीचे लाए और ऐसे ज्वाइन कर दिया. ओके, ये इज मोर लाइक अ फ्री हैंड अप्रोच, दिस इज अ ग्रिड मेथड अप्रोच. ओके, सो मैंने दोनों बता दिए. ठीक है, जो अच्छा लगे ट्राई तो दोनों करो. ठीक है, इतना करूं.